मुनिनगर, गांधी नगर, उज्ज्वल नगर, अमन नगर, असद खान सोसाइटी, जितने भी अन्य कॉलोनीज है जैसा समर्थ नगर, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि जो ओपन प्लॉट है, ओपन प्लॉट के अंदर अगर शेड है तो वहाँ किसी को भी एक रुपये आप देने की जरूरत नहीं। बेलगाम के अंदर वो चालू है, आप आके यहाँ ऑफिसर्स को मिले और अपना काम कर लें। अगर कोई भी एजेंट आपके पास पैसा पूछ रहा है तो लास्ट टाइम में हमारे कॉर्पोरेटर्स और अपोजिशन लीडर और MLA साहब भी ये काउंसिल में बात को उठाए थे, तब कमिश्नर साहब ने कहा है कि जहाँ ओपन प्लॉट है, जहाँ शेड है, उसको आप किसी को भी एक रुपये भी देने का जरूरत नहीं है। डायरेक्ट कॉर्पोरेशन को आओ, बेलगाम में आके आप अपना काम करके ले जा सकते हैं। और उसके अलावा जिसका भी घर है, घर को भी आप टैक्स बटा के दे रहे। बहुत सारे कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है कि लोगों को क्या लग रहा है कि ये बंद है इसलिए वो एजेंट पास जा रहे, जबकि ऑफिसर्स का उससे कुछ लेना देना नहीं है। हम ऑफिसर्स को बात किए, लेकिन ऑफिसर्स का नाम बोल के बहुत सारे लोग वो एजेंट्स लोग उसके ऊपर ये कर रहे हैं। तो कमिश्नर साहब काउंसिल में हमारे साथ में बात हुई है, उन्होंने कहा है कि कोई भी एजेंट अगर कॉर्पोरेशन के नाम पर या कोई ऑफिसर्स के ऊपर अगर नाम पे पैसा अगर उठा रहा है तो उसके ऊपर FIR करेंगे, और कोई भी ऑफिसर अगर इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है तो उसको सस्पेंड करेंगे। तो बेलगाम के तमाम सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे गरीब लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते एनी लेआउट KGP प्लॉट नहीं ले सकते, बोल के एक प्लॉट जाके वो लेते हैं सस्ते में, और उनको कुछ लोग मिसगाइड करें। मिसगाइड बोले तो ये प्लॉट को कम से कम 50,000 आता है, 1,00,000 रुपए खर्चा आता है, अगर बोल के उनको डराने का, डराने के बाद में वो एक एजेंट के पास जाने के बाद में वो एजेंट उनको बोलता है कि 25,000 दो, 50,000 दो बोल के, तो किसी को पैसा देने का जरूरत नहीं है। हाँ एक बात है, खाता चेंज नहीं होता। खाता चेंज का मतलब क्या, मेरा प्लॉट शाहिद भाई को दिया, शाहिद भाई ने रियाज भाई को दिया, तो खाता चेंज नहीं हो रहा। अनऑथराइज का खाता चेंज नहीं हो रहा, तो बहुत सारे कॉर्पोरेटर्स बात के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि इससे कॉर्पोरेशन का रेनू बढ़ेगा, लेकिन ये खाली हमारे बेलगाम लेवल पे कॉर्पोरेशन लिमिट पे नहीं होता, सरकार का ऐसे परमिशन चाहिए। इसलिए हम हमारे कमेटी में और उसके बाद काउंसिल में और ऊपर से सरकार से अप्रूवल लेके कोई भी काम जल्द से जल्द करने का, अगर कानून के अंदर उसका प्रोविजन है तो वो भी हम करेंगे। और हर एक बार वो बात को मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि किसी को भी इधर अगर कोई भी एजेंट फंसा के अगर पैसा ले रहा है तो अपने एरिया का कॉर्पोरेटर है, अपने जिम्मेदार है, हर एरिया के अंदर है। जैसा रुकमणी नगर के अंदर हमारे शाहिद पठान है, फिर हमारे सलीम पठान है, फिर यहाँ शाहिद पठान है, रियाज भाई है, रेशमा मैडम है, कलीमुल्ला है, हमारे हर अपोजिशन के जितने भी कॉर्पोरेटर्स है, MLA है, हमारे PWD मिनिस्टर सतीश चंदा जरकवाड़ी साहब है, हमारे कांग्रेस के सरकार के अंदर अगर कोई भी कहाँ भी करप्शन चल रहा है हमें बताइए, हम करप्शन चलने को नहीं देंगे। और हमारे मिनिस्टर साहब, MLA साहब ने भी कहा है अगर कोई भी गरीब जनता को अगर लूट रहा है तो हमारे को इन्फॉर्मेशन दो, उसके बाद हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। अभी 12:30 बजे हैं, पूरे चेयर्स खाली हैं, इसकी क्या वजह बता रहे? अभी हम यहाँ आने के बाद में आपको 12:30 बजे 11:30 से पब्लिक के यहाँ बहुत फोन आ रहे थे, यहाँ कोई भी नहीं है। हम यहाँ पे यहाँ के जो RO है रवि, उनको बात किए, वो बताते हैं कि उनको कमिश्नर साहब ने कहा है कि दूसरा काम को डाले। क्या काम डाले साहब आपको? टैक्स कलेक्शन, KMF डॉक्यूमेंट कलेक्शन, अभी आज इलेक्शन काम है वो भी कर रहे हैं। अभी 3 बजे आते हैं वापस, 3 बजे सब लोग। तो उसके लिए आपने कोई पेपर नोटिस या मीडिया से कुछ भी बात की है? नोटिस लगाया है। इसका मतलब क्या, पब्लिक आके जाना, और इधर से कौन सा एरिया आता है सर इधर आने के लिए बेलगाम को? आप कम से कम कौन सा एरिया है? अजम नगर से इधर आने के लिए कम से कम 2-3 किलोमीटर आके देखे जाना पब्लिक। इसका क्या, तो इसके बाद में आप कमिश्नर साहब को बोलो कि अगर ये भी ये करने का है तो आप पेपर नोटिस दो और बोलो कि आज 1 दिन काम नहीं होने वाला, 2 दिन नहीं होने वाला, 8 दिन नहीं होने वाला, पब्लिक को मिसगाइड मत करो। और जैसा आपने कहा है कि जितने भी अनऑथराइज अगर चाहे ये है, आप करेक्ट उनको प्रॉपर डायरेक्शन दो, बहुत लोग इसके अंदर इसका फायदा उठा रहे हैं। इवत्तु नाउ एल्ला कॉर्पोरेटर्स, नाउ इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेटर्स एल्ला कूडी एम अपोजिशन लीडर ಕರ್ಕೊಂಡು ಈ ಬೆಲ್ಗಾಮ್ ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೂ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೀವು ಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ನಿಂತಾರೋ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಸ್ಟಾಫ್ ಒಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರು ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಸ್ಟಾಫ್ ಇಲ್ಲ ಆ ರೀಸನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸೆಷನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇದದು ಅಂತಾರೆ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಈಗ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿವಿ ಇವರಿಗೂ ಕಮಿಷನರ್ಗೂ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಇರಬೇಕು ಯಾವುದೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಬಾರದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇದಿದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಪಿಐಡಿಗೆ ಶಿಕಾಪಟ್ಟಿ ಮಿಸ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಏಜೆಂಟ್ ಅವರು ಆಫೀಸರ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಆಫೀಸರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರಾಗ ಏಜೆಂಟ್ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಏಜೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ರೊಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ 50,000 1,00,000 ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಓಪನ್ ಪ್ಲಾಟು ಇರಲಿ ಅದು ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ರೊಕ್ಕ ತಗೊಳತ್ತಾರ ಈಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಚೇರ್ಸ್ ಖಾಲಿ ಅದಾವ ಅಂತ ಏಜೆಂಟ್ ಕೊಡತ್ತಾರ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಇವರು ರವಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಇವ್ರು ರೇಷ್ಮಾ ಅವರು ಅದಾರಲ್ಲ ತಾಲಿಕೋಟೆ ಅವರು ಇರಲಿ ಕಮಿಷನ್ ಅವರು ಇರಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಲೀಡರ್ ಅದಾರ ನಾವು ಎಂ ಎಲ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಇದು ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀವಿ ಇದು ಏನ್ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಬಂದ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅದನ್ನೇ ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾವುದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ನಮಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಾವು ಗೆದ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಾವು ಇಲೆಕ್ಷನ್ಗೂ ನಮ್ಮ ಮೇಯರ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಮಟ್ಟ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆ ರೀಸನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಫಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರು ಇದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಜನರೇಷನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದು ಈ ರೆವಿನ್ಯೂ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಇವ್ರು ಹಿಂಗ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರು ಇದು ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ರೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುದು ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇವರು ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ರೊಕ್ಕ ಬರ್ತೈತಿ ರೊಕ್ಕ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಹುದಾ ಅದನ್ನೇ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನಂತಾರ ಅದು ಕೋರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದು ರೆವಿನ್ಯೂಜ್ಗೆ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಇದು ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವರು ನಾವು ಇವತ್ತು ಸರ್ ನಾವು ಮೇಯರ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮೇಯರ್ಗೆ ಹೇಳಿನ ಸರ್ ಮೇಯರ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಇಲ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸೋಣ ಸರ್ ಇದು ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಫಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ಲಿ ಇದು ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲಿ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಸರ್ ನಮಗೆ ಬಾಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಸರ್ ಫಂಡಿಂದು ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಸರ್ ರವಿ ಅವ್ರು ನಿಮಗೂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಒಂದು ಇಬ್ರು ಇದು ಚೇರ್ಸ್ ಕೊಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯಾರ್ದು ಒಂದು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಆ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ರೀಸನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ರೀಸನ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅವ್ರು ಯಾರು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ನಮ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯಾ ಎಷ್ಟು ನನ್ನ ವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಕೋಟಿ ಇದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಮಿಸ್ ಇದೆ ಅದು ಆಗ್ಬೇಕು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಈಗ ರೆವಿನ್ಯೂ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಹೋಗ್ಯಾರಲ್ಲ ಅವರು ಅದು ಒಂದೂವರೆ ಕೋಟಿ ನನ್ನ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಬಂದ್ರೆ ನನ್ನ ವಾರ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ವಾರ್ಡ್ಗೆ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿ ಇವರು ನಮ್ಮ ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ कॉर्पोरेशन में जैसा शाहिद भाई ने कहा कि हमारे कि हमें डेवलपमेंट के लिए बहुत तकलीफ हो रही है क्योंकि जैसा कि जैसा कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद में 2003 घर घर 2000 रुपए और उसके अलावा बस और लाइट की बिल और इसके सब स्कीम आने के बाद में अभी हमारे पास डेवलपमेंट के लिए फंड नहीं है तो एमएलए साहब के साथ में बात हुई एमएलए साहब ने कहा है कि बहुत जल्द से जल्द हम डेवलपमेंट का फंड लाएंगे और डेवलप करेंगे क्योंकि ये स्कीमों के आने की वजह से डेवलपमेंट फंड अभी नहीं है तो एमएलए साहब ने कहा है कि सीएम साहब से सीएम और हमारे सतीश अन्ना जारकीवाड़ी के साथ में बातचीत हुआ है जल्द से जल्द डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे और एक बार बेलगाम के तमाम लोगों से हमारी एक विनती है कि किसी भी एजेंट को एक रुपए भी अगर देने का रहेगा तो 10 टाइम आपकी मेहनत की कमाई है आपकी मेहनत की कमाई कहाँ भी ज़ाया मत करें आपका अगर ओपन प्लॉट है प्लॉट के अंदर शेड है आप कॉरपोरेशन को आओ बेलगाम उनके अंदर आओ आपको टैक्स बिना किसी कोई भी हमारा ऑफिसर बिना एक रुपए भी लिए आपका काम करके देगा और उसके अलावा अगर बिल्डिंग है बिल्डिंग को भी आपका टैक्स है खाली आ रहा है प्रॉब्लम खाता चेंज का जैसा कि हमने कहा कि नाम नहीं चेंज होता उसके लिए भी हम एमएलए साहब के साथ में बहुत जल्दी बात करके उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे लेते हैं जिनका आना जाना कॉर्पोरेशन में है या तो फिर जिनको तजर्बा है इस मामले में तो वो तो शायद इर्द गिर्द के ही लोग होंगे इनको कैसा रोक पाएंगे अभी जैसा हमने कहा कि कॉर्पोरेशन के अंदर हमारा ऑफिस टाइम अपोजिशन ऑफिस टाइम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक हम ऑफिस में रहेंगे अगर बीच में भी अगर पब्लिक हमारे को फोन कर रही है कोई भी वो अभी मुझे मजबूरन ये बात बोलना पड़ रहा है कि कोई भी नज़दीक का हो या मैं खुद हो अगर मैं भी खुद अगर पब्लिक के पास पैसा मांग रहा हूँ तो हमारे ऊपर भी एमएलए है या कोई कॉर्पोरेटर भी अगर वो काम कर रहा है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी और उसके अलावा कोई भी हमारे नजदीक का भी आदमी अगर वो चीज कर रहा है तो आप हमारे पब्लिक से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे इंफॉर्मेशन में ये चीज लाए हकीकत में वो अगर नजदीक का हो या बाहर वाला हो
जो एक्शन बाहर वाले पर ले रहे हैं वो नजदीक वाले पर भी वही एक्शन लेंगे। करप्शन तो चेन सिस्टम से ही चलता है। नहीं नहीं बराबर है, इसलिए तो हम कोशिश कर रहे हैं, इसलिए तो हम कोशिश कर रहे हैं कि करप्शन, और इसमें पब्लिक का भी हमें साथ चाहिए, क्योंकि पब्लिक को ये चीज का नॉलेज नहीं है क्या कि वो लोग क्या करें, एक बार आने के बाद में कोई तो बोलता है उनको कि ये टैक्स हम नहीं भर के देते, तो उनको जरूरत होना रहती है कि टैक्स के लिए अगर वो मीटर के टेम्पररी मीटर के लिए या मीटर के लिए जाए तो टैक्स की ये होना, तो उसलिए क्या करते हो 10,000, 20,000, 25,000 ब्याज से या से गोल्ड रख के ले गया के वो देते, लेकिन इनको ये मालूम है। इसलिए हम पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आपको टैक्स भरने के लिए किसी एजेंट को पकड़ने की जरूरत नहीं, आप बेलगाम मोन में आओ, अगर कोई भी बीच में आके अगर पैसा खा रहा है तो कमिश्नर साहब ने काउंसिल में कहा है कि उसके पे एफआईआर होगा, ऑफिसर अगर कर रहा है तो उसके ऊपर सस्पेंड होगा, और कोई भी अगर कोई भी प्रतिनिधि हो उसके ऊपर भी एक्शन होगा। जरा इकबाल भाई, वार्ड क्लर्क जो है तो हमें अगर कारपोरेटर पूछने गए तो हम ना लीगली पॉइंट दिखाता है ना, मुजम्मिल डोली अपोजिशन लीडर है, एक बात बता रहा हूँ मैं, इनको कम आते हैं आज इनको लोगों को ऑब्जेक्शन देने में, इनको बात कर रहे हैं, मैं बात करूं कि तू करता है वो बोल मजा, मैं तो छोड़ कर यहाँ तो प्रॉब्लम है वो बोलने का, बोलो, बोलो, तो मैं बोलने का नहीं, क्या है यहाँ जितने भी ऑफिसर है इनको चेंज करना, इनका एजेंट के साथ मिली भगा था, मेरे पास सबूत है। कितने साल से है यहाँ एक ऑफिसर? मैं 25 महीने और नाटा पर गया हूँ। आप एक ऑफिसर कितने दिन से इधर है कुर्सी पर है? अभी देखो तुम्हारा इलेक्शन हो को 3 बरस नहीं हुआ, उसके बाद में 6-7 बरस इलेक्शन के ऑफिसर है, और हमें जाको पूछे बाबू उसे की दिया ना ये मैडम रे मॉडरेट डीसीएम मैडम को दिया सो लेटर, और जो बनाए से भी दिए सो उसे सस्पेंड कर दूंगा, दीपाड़ी ये अति बोल को पेंडिंग रह गए, अभी यहाँ के जो एन मेन ऑफिसर है रवि सर उनको भी मालूम है नामा गेमा, तो इन्हें सस्पेंड करते हैं क्या एजेंट को पकड़ को अरेस्ट करते हैं, तो नामा रहे तो हमें ऑलरेडी प्रेस में गए ऑलरेडी ऑफिसर को दियो मैं अवत को मैडम निम्न मुझे, तो बोलने का मतलब क्या कहते इकबाल भाई, यो जो चला है ना यहाँ हमारा, अभी मैं छोड़ो एक मुजम्मिल ढोनी जब काम को लेकर दे या तो रेशमा मैडम के काम को लेकर दे, हम ना कानून के दायरे में ठहरा करते हैं, वो एजेंट आते हैं इमीडिएटली कर को देते हैं। जैसा रियाज भाई ने कहा, कल हमारे इंफॉर्मेशन के हिसाब से एक कॉर्पोरेटर जो कि फाइनेंस कमेटी में मेंबर है, सलीम पठान, कल दोपहर हाँ सलीम पठान एक कॉर्पोरेटर का हस्बैंड एक काम आने के बाद में आके दोपहर से लेके शाम तक बढ़ता है तो उसका काम नहीं होता, तो रियाज भाई जैसे बोल रहे हैं बहुत सारे कॉर्पोरेटर्स का कंप्लेंट है कि एक ऑफिसर जो है 4-4 साल, 6-6 साल से एक जगह है, हम एमएलए साहब से बात करके डीसी रेनो कमिश्नर साहब से बात करके जो भी ऑफिसर है बहुत जगह बहुत दिनों से है उसको चेंज करने की ये करके बल्कि जल्द से जल्द चेंज करेंगे, मैं तो एप्लीकेशन दिया जल्द से जल्द उसको चेंज करेंगे। जो सर्विस रहता है वो सर्विस देते हैं, ठीक है, तो अब जरा रेशन ही होगा तो
नहीं दे सकते हमें सर्विस जो है ये नया नंबर क्या करते हैं ऑलरेडी बोले सर किसको बोले आप वीरेश किसको बोले आप नहीं हमें हर सर देखें वहाँ पे इतना कूड़ा कचरा सब जने लाते हैं नजर बुलाओ क्या ट्रक्स टुगेदर आई सी ये सब कचरा भी अच्छा लगता है हमें सर लगा मैंने आपको क्या है ये वही कैंसर है यार वही कुछ और क्या पुलिस अरे जो पुलिस क्या क्लीन मारते हैं लोग ये तुम्हारे को बोलने के बाद में तुम कंप्लेंट दिए अपने कॉर्पोरेशन के अंदर कंपनी के अंदर ये हालत है तो आदमी बाहर कैसा रहने वाला ऊपर कौन है क्या पूरे चेयर्स खाली रहे अगर बेलगाम में पब्लिक को पूरा अगर टैक्स भरने का है और ये भरने का है तो उनका सर 3 बजे से है तीन बजे से दोपहर में रहते हैं सर पेपर नोटिस दे क्या दे सर इधर ही नोटिस लगाया इधर आके पब्लिक जाना है इधर से पेपर नोटिस दे प्रेस नोटिस देने अब पब्लिक सुबह से फोन कर रहे हैं 11 बजे से हम जा रहे हैं इधर कोई भी नहीं है बोल के वो क्या आंसर देने नोटिस बोर्ड पर लगाए तुम्हें नोटिस बहुत जनों को कन्वर्ट करने नहीं आता तो आप पहले एक दिन पहला बिफोर वन डे आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं इधर बोल के पैसा उठा रहे हैं और ऑफिसरों का नाम लेके ऐसा कुछ है क्या सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं आपने ऐसा मालूम है क्या तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं आप लोगों का नाम लेके बहुत सारे लोग पैसे खा रहे हैं तो आप जो है इधर एक बोर्ड लगा के टैक्स किसको है किसको नहीं जैसा हमारे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मैं एक प्रॉपर्टी लेके उनको दे रहा हूँ और ये उनको दे रहे हैं तो खाता नहीं चेंज होता बराबर खाता नहीं चेंज नहीं होता तो वो नहीं चेंज होता लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा हो रहा है कि अगर ओपन प्लॉट है उनको उधर शेड भी है तो आपके पास आए इधर आने के बाद में आप क्या बोल रहे हैं उनको नहीं होता करके बोल तो एजेंट के पास जाने के बाद एजेंट क्या बोल रहा है 20,000-25,000 वो करके ले रहे हैं जबकि उसका जरूरत नहीं है किसको 1 रुपये देने का जरूरत नहीं है ना लेकिन वो क्यों लोग खा रहे हैं आप उसके में क्या कर रहे हैं क्या चेंज मिले मतलब।